हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर से जुड़े एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। इस कंसेप्ट में हमें कंटेनर दिया जाएगा, उसमें एक सॉल्यूशन भरा होगा, मिल्क एंड वाटर का हो सकता है ये सॉल्यूशन, या हो सकता है ये प्योर मिल्क हो। कुछ सॉल्यूशन यहाँ से रिमूव किया जाएगा और उसको इक्वल क्वांटिटी रिप्लेस कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जनरली ये प्योर फॉर्म में हमारे पास कंटेनर में वापस कंटेंट डाला जाता है और इक्वल क्वांटिटी डाली जाती है। एंड ये ऑपरेशन मे बी वन मोर टाइम और मे बी टू मोर टाइम किया जाएगा। पर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए, इस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो फाइनली क्या है, या हो सकता है हमें फाइनल रेशियो दे दें और इनिशियल रेशियो हमसे पूछे। इस कंसेप्ट में एक बहुत बेसिक लॉजिक इन्वॉल्व है, अगर हमें वो समझ में आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ना यहाँ पर हमें जो कंटेनर गिवन है उसमें टोटल क्वांटिटी है 100 लीटर, मिल्क है 60 लीटर और वाटर है 40 लीटर। 20 लीटर सॉल्यूशन हमने निकाला है और बदले में 20 लीटर वाटर हमने ऐड किया है। अगर हमें ये पता करना हो कि स्टेप वन और टू के बाद में इस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो क्या होगा, तो उसको करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है हम स्टेप बाय स्टेप जाएं। यहां पर क्या होगा, मिल्क और वाटर का अगर हम रेशियो देखते हैं तो वो है 60:40 या हम कहेंगे 3:2। नाउ क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जहां पर हर ड्रॉप में मिल्क और वाटर का रेशियो सेम होगा, तो जो सॉल्यूशन हम बाहर निकाल रहे हैं वहां पर भी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 ही होगा। 20 लीटर को अगर हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 12 लीटर एंड 8 लीटर। दैट मींस जो सॉल्यूशन बाहर जा रहा है उसमें मिल्क है 12 लीटर और वाटर है 8 लीटर। अगर हम सिर्फ फोकस करें जब हमने सॉल्यूशन रिमूव किया है उसके बाद इस कंटेनर में जो मिल्क की क्वांटिटी बची है वो कितनी है, हम कहेंगे 60 - 12 दैट इज 48 लीटर और वाटर कितना होगा 40 - 8 दैट इज 32 लीटर। हम नोट कर सकते हैं कि यहां पर भी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब आप एक कंटेनर में से कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं और अगर ये कंटेनर होमोजीनियस सॉल्यूशन कंटेन करता है तो जो इनिशियली कंटेंट्स का रेशियो है आउटगोइंग सॉल्यूशन में भी वही रेशियो रहेगा और जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें भी कंटेंट्स का रेशियो सेम रहेगा। रेशियो चेंज नहीं होगा अगर आप कुछ रिमूव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर हमने स्टेप टू में क्या किया है, कुछ ऐड किया है। क्या चीज ऐड की है, वाटर ऐड किया है। कितना वाटर ऐड किया है, 20 लीटर। तो मिल्क की क्वांटिटी हमारी एज इट इज रहेगी, जो रिड्यूस हो गई है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। व्हाट विल हैपन टू वाटर, 20 लीटर वाटर आके और ये कितना हो जाएगा 52 लीटर। नाउ यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करने की है, टोटल क्वांटिटी इनिशियली 100 थी, जब हमने इसमें से 20 लीटर सॉल्यूशन निकाला तो ये क्वांटिटी रिड्यूस होकर 80 हो गई, पर जब हमने वाटर की फॉर्म में सॉल्यूशन वापस ऐड किया तो टोटल क्वांटिटी रिमेन सेम। यहां पर हम मिल्क और वाटर का रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये है 48:52 या हम कहेंगे 12:13। नाउ इसी क्वेश्चन में अगर हम बार बार इस रेशियो में नहीं डील करना चाहते हैं तो हमें एक और कंसेप्ट सीखना होगा। हमने 100 लीटर सॉल्यूशन में से 20 लीटर सॉल्यूशन रिमूव किया है, फ्रैक्शन वाइज इसको हम कहेंगे 20/100 या 1/5। हमने 1/5 सॉल्यूशन रिमूव किया है, तो रूल ये कहता है कि जब आप एक होमोजीनियस मिक्सचर में से 1/5 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो अंदर जो भी कंटेंट है वो 1/5 कम हो जाएगा। दैट मींस मिल्क भी 1/5 कम होगा और वाटर भी 1/5 कम होगा। 60 का 1/5 होता है 12, हम देख सकते हैं मिल्क 12 लीटर बाहर जा रहा है। ऐसे ही वाटर का 1/5 होगा 8 लीटर वाटर बाहर जा रहा है। तो जरूरत पड़ने पर हम रेशियो में डील कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम फ्रैक्शन में डील करते हैं। इनफैक्ट फ्रैक्शन में डील करना हमेशा ज्यादा फायदेमंद। कई बार हम इस वैल्यू को परसेंटेज में भी बोल सकते हैं कि 20 लीटर आउट ऑफ 100 हमने रिमूव किया है तो परसेंटेज वाइज हम कहेंगे 20% सॉल्यूशन रिमूव हो रहा है, तो अंदर हर चीज 20% कम होगी। मिल्क भी 20% कम होगा, वाटर भी 20% कम होगा। 60 का 20% 12 होता है और 40 का 20% 8 होता है। तो तीन अप्रोचेज हैं हमारे पास में, एक हम रेशियो में डील करें, दूसरा हम फ्रैक्शन में डील करें और तीसरा हम परसेंटेज में डील। इनफैक्ट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि अगर हम 1/5 सॉल्यूशन निकालते हैं तो बचेगा कितना, 1 - 1/5 या हम कहेंगे 4/5 सॉल्यूशन बचेगा। स्टेप वन के बाद में क्या बचा है हमारे पास, मिल्क 48, ये 60 का 4/5 क्योंकि 60 का 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 goes into 60 12 टाइम्स, 12 4 times 48। ऐसे ही वाटर का भी 4/5 कितना होगा, 32 और टोटल का 4/5 तो 80 होगा ही होगा। और अगर परसेंटेज में कहते तो क्या कहते कि 20% सॉल्यूशन जाने का मतलब है अब अंदर हर एक कंटेंट का 80% बचा है।
60 का 80% 48, 40 का 80% 32। तो यहां पर क्या चीज रिमूव हो रही है और क्या चीज फाइनली बची है, इसे निकालना बड़ा आसान है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो क्या कोई शॉर्टकट है या कोई लॉजिकल अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की? डेफिनेटली है। हमें फोकस करना होगा तीन कंटेंट्स पर, एक है मिल्क, एक है वाटर और एक है टोटल वाटर। मिल्क पर क्या, स्टेप वन में मिल्क बाहर चला गया लेकिन वापस अंदर नहीं आया। दैट मीन्स मिल्क की क्वांटिटी अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे या तो ये 1/5 रिड्यूस हो गई है या ये 20% रिड्यूस हो गई है, इसमें और कोई भी स्टेप में बदलाव नहीं हुआ। व्हाट अबाउट द टोटल क्वांटिटी? पहले ये रिड्यूस हो गई, फिर वाटर की फॉर्म में वापस आई एंड टोटल क्वांटिटी वापस उतनी ही हो गई जितनी इनिशियली थी। व्हाट अबाउट वाटर? पहले ये रिड्यूस हुआ, फिर ये अंदर आया और टोटल क्वांटिटी अब जो वाटर में हुई है वो उसकी इनिशियल क्वांटिटी जो 40 थी उससे ज्यादा हो गई। तो हम जनरली यहां पर क्या करते हैं, जो तीन वेरिएबल्स हमें नजर आ रहे हैं मिल्क वाटर टोटल, उस वेरिएबल को हम अवॉइड करेंगे जिसे हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पहले तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन बाद में ये नई वैल्यू ऐड होगी और इंक्रीज हो गया है इनिशियल वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का सबसे अच्छा अप्रोच है आप फोकस करें मिल्क एंड टोटल पर, या फिर ये याद रख ले कि जो चीज आप अंदर ऐड कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना। और ये शॉर्टकट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ कब काम आता है, जब आप प्योर फॉर्म में मटेरियल को अंदर ऐड कर, अगर यहां भी कोई रेशियो आपने ऐड किया तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो शुरुआत हम क्या करें, इनिशियली इस कंटेनर में मिल्क और टोटल का रेशियो क्या, मिल्क था 60, वाटर था 100, तो रेशियो वाइज हम कहेंगे 3/5 था। नाउ स्टेप 1 और 2 को हमें एक साथ डील करना है, कुछ सॉल्यूशन रिमूव किया और कुछ सॉल्यूशन ऐड किया, टोटल क्वांटिटी रिमेन सेम, तो टोटल पे कोई असर नहीं पड़ा। अगर आप किसी को चेंज नहीं करना चाहते या उसको सेम रखना चाहते हैं तो उसे रेस्पेक्टिवली आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट व्हाट हैपेंड टू मिल्क, 20 लीटर आउट ऑफ 100 हम कहेंगे 1/5 सॉल्यूशन चला गया, तो अंदर हर चीज 1/5 कम हो गई, मिल्क भी 1/5 कम हो गया। तो 1/5 कम होने के बाद मिल्क बचा कितना, 4/5। तो मिल्क की क्वांटिटी इनिशियल वैल्यू का क्या होगी, 4/5। हम यहां पर डायरेक्टली रेशियो में डील कर रहे हैं, तो बता सकते हैं मिल्क एंड टोटल का रेशियो क्या होगा आफ्टर दीज टू स्टेप्स, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, ये हो गया है 12/25। क्वेश्चन में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 12:2, इन दोनों का डिफरेंस, बिकॉज 25 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल को, तो हमारा आंसर होगा 12:13 जो हमने इस स्टेप में निकाला था। ना क्या होता अगर सेम स्टेप हम एक बार और करते, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, वापस हम 20 लीटर सॉल्यूशन निकालते और बदले में 20 लीटर वाटर हम ऐड कर देते, तो अब हम क्या करते, अगेन पूरे प्रोसेस में 20 आउट ऑफ 100 यानी 1/5 सॉल्यूशन रिमूव हुआ है, तो मिल्क जितना बचा है स्टेप 1 और 2 के बाद में उसका 1/5 कम हो जाएगा, तो मिल्क बचेगा 4/5। एंड व्हाट अबाउट द टोटल क्वांटिटी, इट विल रिमेन सेम बिकॉज 20 लीटर सॉल्यूशन गया है और 20 लीटर वाटर वापस अंदर आ गया है। ये अगेन हमें रेशियो देगा किसका, मिल्क एंड टोटल का आफ्टर स्टेप्स 3 एंड 4। सिंप्लीफाई करें तो मिल्क अपॉन टोटल ये हो गया है 48/125। तो अगर हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा जाए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 48:77। नाउ ये जरूरी नहीं कि स्टेप 3 एंड 4 में वापस 20 लीटर सॉल्यूशन ही निकाला जाए, हो सकता है एग्जामिनर कहे 30 लीटर सॉल्यूशन निकाला और 30 लीटर वाटर हमने ऐड किया है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने की वो क्या है, जितना लीटर सॉल्यूशन आप रिमूव करेंगे उतना ही लीटर सॉल्यूशन आप वापस ऐड करें। तो अब क्या करें, स्टेप 1 एंड 2 को करने के लिए इनिशियली मिल्क एंड टोटल का रेशियो क्या था, 3/5। 20 लीटर सॉल्यूशन निकाल के 20 लीटर वाटर ऐड किया यानी 1/5 सॉल्यूशन निकाला, तो हर चीज 1/5 कम हो गई, मिल्क 4/5 बचा है और टोटल क्वांटिटी 1 हो गई, जितनी थी उतनी ही, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 30 लीटर सॉल्यूशन निकाला और 30 लीटर वाटर ऐड किया, अगेन हम फ्रैक्शन में डील करेंगे, 30 आउट ऑफ 100 हम कहेंगे 3/10, हर चीज 3/10 कम हो जाएगी, मिल्क भी कम हो जाएगा, तो मिल्क बचेगा कितना, 7/10। टोटल क्वांटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, अगेन हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। इसको सिंप्लीफाई करें, 3/4 12, 7 times 84 divided by 250, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 42/125, ये किसका रेशियो आया है, मिल्क एंड टोटल का। और अगर हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, 42:83। नाउ क्या हो अगर एग्जामिनर हमें इनिशियल रेशियो ना दे और ये कहे कि हमने जितना भी कंटेनर में सॉल्यूशन था उसका 1/5 सॉल्यूशन स्टेप 1 में रिमूव किया
और इक्वल क्वांटिटी हमने उसमें वाटर ऐड कर दी। स्टेप थ्री में हमने क्या किया, हमने 3/10 सॉल्यूशन रिमूव किया और अगेन हमने इक्वल क्वांटिटी वाटर ऐड। ऐसा करने पर हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया है 42:83। तो बताइए इनिशियली मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या था। प्रोसेस को यहां उल्टा करने की जरूरत नहीं, हम क्या मान के चलेंगे कि हमें फाइनल रेशियो गिवन है, इनिशियल पूछा है, इनिशियल हमें मालूम नहीं है। तो यहां पर एक्स और वाई मत लीजिएगा, क्या करिएगा, माना इनिशियली मिल्क एंड टोटल का रेशियो था एम अपॉन टी। इसे थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, एक्स और वाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मिल्क अपॉन टोटल हमने ये रेशियो मान लिया है इनिशियली। वापस मिल्क एंड टोटल का क्यों रेशियो माना है, जिस चीज को हम ऐड कर रहे हैं उसे हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम क्या जुड़ी हुई है कि पहले वो रिड्यूस होता है और फिर जो ऐड होने के कारण उसकी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, जबकि मिल्क इस केस में तो सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, टोटल रिड्यूस होकर इंक्रीज होता है बट द ओवरऑल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। नाउ लेट अस फॉलो विद द फर्स्ट स्टेप। 1/5 सॉल्यूशन चला गया तो अंदर हर चीज 1/5 कम हो जाएगी, मिल्क भी 1/5 कम हो जाएगा, मतलब मिल्क 1/5 कम होने के बाद 4/5 बचेगा क्योंकि वापस मिल्क नहीं आ रहा। टोटल क्वांटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जितनी क्वांटिटी गई उतनी क्वांटिटी वापस आ गई। अगले स्टेप में क्या हुआ, 3/10 ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन रिमूव्ड। तो अब जितना भी मिल्क हमारे पास बचा है, हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही सक्सेसिव ऑपरेशन होता है। अब जो 3/10 हमारा सॉल्यूशन जा रहा है तो मिल्क भी 3/10 चला जाएगा, तो मिल्क बचेगा कितना, 7/10। टोटल क्वांटिटी पे फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। फाइनली यहां पर क्या ध्यान रखना है, मिल्क अपॉन टोटल लिखना है, जल्दबाजी में मिल्क एंड वाटर नहीं लिखना है। तो ये हो गया है 42:125। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, मिल्क अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/10 इज इक्वल टू 42/125। 5 goes into 125 25 times, 2 goes into 4 2 times and 10 5 times, again 5 5 times, 7 2 times, 14 3 times. हमारे पास मिल्क एंड टोटल का रेशियो आ गया है 3/5 और इनिशियली हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो अगर पूछा जाए तो उसका जवाब क्या होगा, 3:2। नेक्स्ट वेरिएशन में क्या होगा, हमें टोटल क्वांटिटी नहीं दी जाएगी, हाँ मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमें दे दिया जाएगा। फिर ये कहा जाएगा 20 लीटर सॉल्यूशन हमने निकाला और बदले में 20 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया, ये है स्टेप 1 और 2। फिर स्टेप 3 में अगेन 20 लीटर सॉल्यूशन निकाला और अगेन 20 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया। ऐसा करने पर हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया है 48:77। हमें टोटल क्वांटिटी यहां पर पूछी जाएगी। तो लॉजिक अगेन सेम रहेगा कि इनिशियली हमारा मिल्क एंड टोटल का रेशियो क्या था, 3/5। ना हमें मालूम है कि 20 लीटर सॉल्यूशन निकाल के 20 लीटर वाटर ऐड किया, टोटल क्वांटिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिल्क पर क्या असर, माना टोटल क्वांटिटी है x, हमने 20 लीटर सॉल्यूशन आउट ऑफ x रिमूव किया, यानी इतना फ्रैक्शन रिमूव कर दिया तो हर चीज इतनी कम हो गई, तो मिल्क पर क्या असर पड़ेगा, वो भी इतना कम हो जाएगा, तो मिल्क बचेगा कितना, 1-20/x, या हम कहेंगे मिल्क की क्वांटिटी इतना फ्रैक्शन बचेगी। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 100 हमने निकाला था तो हमने कहा था 1/5 निकाला, तो मिल्क भी 1/5 कम हो गया तो मिल्क कितना बचा, 4/5, और ये जो 4/5 आया था वो तो हमने न्यूमरेटर पे लिख दिया। यहां पर हम न्यूमरेटर पे क्या लिखेंगे, x-20/x। ये स्टेप 2 बार किया गया, तो यहां पर हम करेंगे x-20/x। एंड ऐसा करने पर मिल्क एंड टोटल का रेशियो लिखना है, बी केयरफुल मिल्क एंड वाटर का रेशियो जल्दबाजी में नहीं लिखना है। 5 goes into 125 25 times, 3 goes into 48 16 times, ये हो गया है x-20/x का whole square is equal to 4/5 का whole square, दोनों तरफ square root लेंगे तो हमारे पास आएगा x-20/x is equal to +-4/5, पर हम negative value नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे x की value negative आ जाएगी, हम सिर्फ positive value लिखेंगे। तो ये हो गया है 5x-100 is equal to 4x, x is equal to 100, so total quantity जो थी वो कितने लीटर थी, 100 liters। इसमें और भी बहुत variations हो सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, CAT में पूछे गए जो कुछ questions हैं, उन पर हम पहले focus कर लेते हैं। ये question CAT 2018 में पूछा गया था। एक jar है जिसमें mixture है, 175 ml water है और 700 ml alcohol है। Gopal takes out 10% of the mixture and substitute it by water of the same amount. The process is repeated once again. The percentage of water in the mixture is now. क्या चीज ऐड कर रहे हैं, वाटर, तो रेशियो में वाटर को नहीं लेना है। क्या शुरुआत में
हम यहाँ पर वाटर और अल्कोहल का रेशियो देख सकते हैं। अल्कोहल जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये 700 ml है तो वाटर यहाँ पर है 175 ml, इनका रेशियो है 4:1। तो शुरुआत हम किससे करेंगे, अल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू टोटल, क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है तो वाटर को नहीं लेंगे, यहां लिखेंगे 4:5। कितना लीटर सॉल्यूशन हमने निकाला है, 10%। तो 10% निकाला, हर चीज 10% कम हो गई, मिल्क भी 10% कम हो गया, बचा है 90%। अब हम चाहे 90% लिखें या 90/100 करके इसे 9/10 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर 9/10 लिख सकते हैं और टोटल क्वांटिटी के सामने 1। इनफैक्ट अब हम इस 10 को नीचे भी लिख सकते हैं, अगर हमें अप्रोच समझ में आ गई तो। आगे एक और स्टेप हुई है, वहां पर भी यही हुआ है, 10% सॉल्यूशन बाहर गया और बदले में इक्वल क्वांटिटी वाटर आया। तो अगेन अल्कोहल हो गया है 9/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू और टोटल क्वांटिटी रिमेन सेम। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया है 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 9/10। परसेंटेज में हमें अल्कोहल की वैल्यू आ जाएगी तो वाटर की वैल्यू निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। 81 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो गया है 324/500। या अगर हम इसको, क्योंकि वाटर के बारे में पूछा गया है तो वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, 500 - 324/500, या कहेंगे 176/500। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल होके हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 35.2%। ये हमारे पास एक ऑप्शन में अवेलेबल है। नाउ जो मेथड अभी तक हमने डिस्कस किया है वो कहां ज्यादा यूजफुल रहेगा, जब प्योर फॉर्म में वापस सॉल्यूशन अंदर आ रहा है और जितनी क्वांटिटी हमने रिमूव की है उतनी ही क्वांटिटी हमने ऐड की है। पर क्या हो, अंदर आने वाला सॉल्यूशन जो है वो प्योर फॉर्म में ना हो के मिक्सचर हो, किसी चीज का कॉम्बिनेशन हो, या जितना सॉल्यूशन आपने निकाला उतना सॉल्यूशन वापस अंदर ना आए, तब हमें क्या करना होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। लेकिन हाँ, अगर हम इस लॉजिक को समझ गए कि अगर मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन में से 1/5 सॉल्यूशन निकाला तो अंदर हर चीज 1/5 कम होगी, और अगर 1/3 निकाला तो अंदर हर चीज 1/3 कम होगी, तो कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन पे अगर हम देखें, ये कैट 2022 में पूछा गया। दो कंटेनर है हमारे पास, दोनों का वॉल्यूम सेम है। फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप, सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क। हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर्ड टू द सेकंड कंटेनर, हाफ द कंटेंट, एंड देन हाफ ऑफ दिस इज मिक्सचर इज ट्रांसफर बैक टू द फर्स्ट कंटेनर, नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर बैक टू द सेकंड कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन द सेकंड कंटेनर इज। हम नॉर्मली इन वर्ड्स पे काफी फोकस करते हैं, हाफ क्वांटिटी गई, वापस इक्वल क्वांटिटी आई है, या हाफ आया है, या 1/5 आया है ना, क्योंकि यहां पर हाफ तीन बार किया गया है। हम कोई वैल्यू अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद करेंगे, और वैल्यू भी हम क्या अज्यूम करेंगे, ऐसी वैल्यू जो हाफ मतलब नीचे 2, 2, 2 तीन बार, ऐसा नंबर अज्यूम करेंगे जो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो क्यों ना हम 8 मान लें, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल है, हाफ तक हमने फिल किया है, लेट अस से यहां शुगर सिरप है 8 और यहां पर हमने मिल्क फिल किया है 8, बिकॉज टोटल वॉल्यूम सेम है, हाफ फिल किया है तो ये क्वांटिटी इक्वल हो। अब स्टेप 1 में हमने क्या किया, यहां से हाफ कंटेंट उधर ट्रांसफर किया, तो यहां शुगर सिरप हाफ उधर चला जाएगा तो बचेगा 4, और शुगर सिरप 4 उधर चला गया, मिल्क ऑलरेडी उधर कितना है 8। अब वहां से भी हाफ कंटेंट जो है वो इधर ट्रांसफर किया, हाफ इन दोनों का कम हो जाएगा, यहां शुगर सिरप 2 आ जाएगा तो 4+2 कितना हो जाएगा 6, और मिल्क का हाफ यानी मिल्क 4 इधर आ जाएगा, तो वहां पर शुगर सिरप बचेगा 2 और मिल्क बचेगा 4। अगेन हमने क्या किया, यहां से हाफ उधर ट्रांसफर कर दिया, तो शुगर सिरप यहां बचेगा 3 और शुगर सिरप 3 उधर चला गया तो 5, यहां मिल्क हाफ कम होके 2 हो जाएगा और ये 2 उधर ऐड होके 6 हो जाएगा। शुगर सिरप और मिल्क का रेशियो पूछा गया है, इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 5:6। नाउ इस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर एक छोटा सा बदलाव कर देती, वो ये कहते हाफ द कंटेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर टू द सेकंड कंटेनर एंड इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम द सेकंड कंटेनर वाज टेकन बैक। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाफ द क्वांटिटी इज टेकन बैक एंड इक्वल क्वांटिटी इज टेकन बैक। यहां पर हमने क्या किया था, 8 में से हाफ क्वांटिटी मतलब 4 लीटर उधर ऐड किया, तो जैसे ही हमने 4 लीटर ऐड किया, शुगर सिरप और मिल्क मिलके टोटल क्वांटिटी 12 लीटर हो गई। अब वहां से हमने इक्वल क्वांटिटी वापस लिया, दैट मींस 4 लीटर हमने वापस लिया। Now 4 out of 12 is not half, it is in fact what, 1/3। तो अब अगेन इस क्वेश्चन को मुझे करना होता तो मैं क्या करता, मैं कैसी वैल्यू अज्यूम करता, पहले हाफ उधर गया है, इक्वल क्वांटिटी वापस आने का मतलब है 1/3, और फिर हाफ उधर गया है, तो मैं ढूंढ रहा हूं हाफ, 1/3 और हाफ, मैं इन तीनों का प्रोडक्ट
अपनी इनिशियल क्वांटिटी क्या अज्यूम कर लेता, 12। सही वैल्यू अगर आप अज्यूम कर सकें और सही लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकें तो एवरेज एलिगेशन मिक्सचर में हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू स्कोर। हैप्पी लर्निंग।